जी, तो ये वो कमरा है जहाँ पर नुकंडी में हम परसों रात पहुँचे थे, यानी कि परसों बुध वाले दिन हम पहुँचे थे। हमने परसों रात भी यहाँ पर स्टे किया और कल का एक दिन भी जो है वो हम यहाँ पर रुके हैं। आप कमरा देख रहे हैं और अभी जो है वो यहाँ से हम अपने नुकंडी से यानी अपने सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। पैदल सफ़र उकाड़ा से मक्का मुकर्रमा का आज 38वां दिन है और परसों रात हम नुकंडी में पहुंचे थे और कल का दिन भी एक हमने नुकंडी में क्याम किया था। आप मेरे साथ देख रहे हैं सैयद जान संजरानी भाई। ये मेरे से पहले से जो है काफ़ी देर से रबते में थे और ये जो चेयरमैन सैनेट मोहम्मद सादिक संजरानी साहब हैं, उनके भांजे हैं। और जो जगह आप लोग देख रहे हैं ये भी चेयरमैन की जगह है और यहाँ पर जो है हमने क्याम किया था। और सैयद जान भाई ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा तामुन किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इनके मोहब्बत का, इनके तामुन का, प्यार का, इनके बाकी भी जितने लोग थे, कज़न लोग जितने भी मिले हैं जी, उन सब के प्यार का, तामुन का बहुत शुक्रिया। मेरी इनके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखें, सलामत रखें, मज़ीद तरक्कियों से नवाजें। अभी बस हम यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं, लेविज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही लेविज़ आती है तो यहाँ से हम अपना सफ़र आगे पर शुरू करते हैं। ये तो नुकंडी से सफ़र जारी है और दोनों तरफ आपको एक दफ़ा दोबारा जो है निशाना दिखाता हूँ। और नुकंडी से जो तफ्तान है वो 124 किलोमीटर है और आज तकरीबन 60 किलोमीटर करने का इरादा है, क्योंकि 60 किलोमीटर पर नुकंडी से 60 किलोमीटर पर लेविज़ वालों की चेक पोस्ट आती है, उससे पहले कुछ भी नहीं आता। लेकिन आज सफ़र थोड़ा लेट शुरू किया है तो देखते हैं जी कि आज 60 किलोमीटर हो पाता है या नहीं होता। ठीक ठाक
बजकर 35 मिनट हो रहे हैं। नमाज मगरिब थोड़ी देर पहले अदा कर ली हुई है और सफ़र जो है वो अभी तक जारी है। सुबह आपको बताया था मैंने चलते वक्त कि आज 60 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। 60 किलोमीटर के करीब करीब जो है वो लेविस की चेक पोस्ट है जहाँ पर हमने आके जाके स्टे करना है। तो बाकी ये है कि ईरान का बॉर्डर भी करीब है, यानी कि दुकंडी से तफ्तान जो है वो 124 किलोमीटर है। तो अगर तो तफ्तान इतना नज़दीक ना होता तो शायद मतलब कि इतना सफ़र ना करते और थोड़ा सफ़र करके कहीं आगे पीछे चले जाते, यानी कि पीछे चले जाता या कहीं आगे स्टे करने चला जाता और फिर वहीं से आके शुरू कर लेता। लेकिन चूँकि आज जब 60 किलोमीटर मुकम्मल हो जाएगा तो जो बाकी सफ़र है तफ्तान तक का वो भी तकरीबन कोई 62-64 किलोमीटर रह जाएगा, इसलिए इरादा यही किया था कि आज हिम्मत करके 60 किलोमीटर करते हैं और फिर सुबह दोबारा हिम्मत करके जो बाकी सफ़र है मुकम्मल करके तफ्तान तक पहुँचूँगा। हम लेविस की कोही दलील की चेक पोस्ट पर पहुंच चुके हुए हैं और आज का जो स्टे है वो यहाँ पर होगा। सुबह यहाँ से जो है वो अपने आगे का सफर जो है शुरू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।